अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लिटस, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के लिए। दोस्तों वीडियो का टाइटल है गदर 2 मूवी क्रेजी पब्लिक रिएक्शन। तो गदर 2 फाइनली रिलीज़ हो गई, लोगों ने सिनेमा में देख ली, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं। तो देखते हैं लोगों के रिएक्शन क्या है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और रहेगा। 22 साल के बाद आया हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, 15 जून 2001, आज 11 अगस्त 2023, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गदर, एक प्रेम कथा पार्ट 2। आप देख सकते हैं क्रेज यहाँ पे गेटी गैलेक्सी पे। बॉबी भाई ने धमाल कर दिया और उन्हें कहा था कल कि आई एम द डाई हार्ड फैन ऑफ सनी देओल। सनी पाजी की पिक्चर देखने जा रहे हो? हाँ, रिक्शा बन के देखने जा रहे हैं। सनी देओल से गदर 2 में क्या करेंगे, क्या लग रहा है? धमाल करेंगे। आप क्या बोलोगे सनी देओल की गदर लगी है? अब मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिला है यहाँ का। ओके, अब मुझे काफी एंजॉय कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोग वापिस से आए हैं, वापिस से सनी देओल की मूवी देखने, स्पेशली सनी देओल का गदर देखने के। भाई गदर 2 देख के आ रहे हो, कैसी लगी? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मतलब गदर 2 ने गदर 1 22 साल जो पहले इमोशन था उसको जगा दिया। ये होती है मूवी, जो होता है ना दोबारा, जो हेडपंप उतारा सनी पाज जी ने, गूस बम्प आ गए मेरे तो। पाकिस्तान जाते हैं तो कैसा लगा? मतलब इस बार तो पाकिस्तान में बवाल मचा, बवाल। और मैं बोल रहा हूँ चलो OMG 2 एक अच्छा मैसेज दे रही है, लेकिन गदर 2 गदर 2 रहेगा और गदर की फ्रेंचाइजी गदर ही रहेगी। सनी पाजी कैसे लग रहे हैं? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा 2.5 किलो का हाथ सनी पाजी। मतलब जब कुछ करें और हमें मजा नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सकीना सकीना अब इस बार तो दामाद बन के गए हैं पाकिस्तान का। और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद ही देखो मूवी, आपको खुद ही पता चलेगा, स्पॉइलर बिल्कुल नहीं। गदर 1 देखी थी? गदर 1 देखी थी, इसीलिए तो मैं गदर 2 देखने आया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे भाई। तो लेकिन गदर 2 ने गदर मचाया या गदर 1 ने ही गदर मचाया था? देखिए गदर 1 की अपनी एक अलग भूमिका है, जैसे हम KGF चैप्टर 2 को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ही गदर 1 और गदर 2 को कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद। सनी पाजी
सनी पाजी और मूवी में हो और वो उसमें तोड़ फोड़ देखने में मजा ना आए तो फिर सनी पाजी क्यों हुए? दोबारा देखना आएंगे? मैं तो टीवी पे बार बार आया, बार बार देखूंगा। और ठीक है भाई, OMG 2 हमारे पास इतनी सारे ऑप्शन है, फिर भी गदर 2 देखने आऊंगा। 10 बार देखना आएंगे? 10 बार देखूंगा, 11 बार देखूंगा। आउट ऑफ 5? अरे 10, 5 से कुछ ज्यादा होना तो वो लीजिए। अरे चलिए आप 11 ले लीजिए, IMDB भी इतनी रेटिंग नहीं दे पाएगा जितनी मैं दे दूंगा इसको, 12। ओके थैंक यू सर। हाँ अच्छी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन भी अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, रियल स्टोरी बेस्ड थी, तो अच्छी मूवी थी। सॉरी, 4.5। बहुत अच्छी लगी मूवी। स्टोरी अच्छी थी, ये तो काफी अच्छी मूवी है, किस तरीके से सारी चीजें होती है दिखाया गया अच्छे से। बिल्कुल आना चाहिए उन्हें, 5 में से 5 एकदम शानदार। क्या स्टोरी अच्छी लगी, बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है। देखने आना चाहिए लोग? बिल्कुल देखना चाहिए। आपको कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी लगी, शानदार। कितने स्टार 5 में से? पूरे 5 भाई, बढ़िया लगी। कितने स्टार 5 में से? भाई 10 में से 11 स्टार, बहुत बढ़िया। और आदमी को समझने की जरूरत है इस पे। स्टोरी आपको सही लगी? बहुत बढ़िया। कितने स्टार 5 में से? 5। बहुत 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 अच्छी थी, अच्छी थी। 5 में से कितने स्टार? 2। बहुत अच्छे लगे। कितने स्टार देंगी 5 में से? 4.5। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी इसलिए लगी कि मैं पिछले काफ़ी अर्से से फिल्म रिव्यू ही करता रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे लगभग फिल्मों से जुड़े हुए। इस फिल्म का सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष है, मुझे लगता है ये फिल्म जो है मस्ट वॉच है। एक बार जो जो कहते हैं अच्छी फिल्मों को देखने के शौकीन हैं, वो लोग दर्शकों की कला से इस फिल्म को देखेंगे। मैं इसको 4 स्टार कन्फर्म दूंगा सर। स्टार देंगे 5 में? 5 out of 5। अच्छी लगी मूवी। स्टार देंगे 5 में? 4। कितने स्टार देंगे 5 में? 5 में से 5। बहुत बढ़िया बनाई है, मेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, और कहानी कहने की अंदाज भी ठीक ठाक है। 3.5 जाएगा। अच्छी लगी। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में 3। बहुत बहुत अच्छी मूवी लगी है, ग्रिपिंग मूवी लगी है, सेंसिबल मूवी लगी है, इट्स अ गुड स्टोरी। कितने सर 5 में से? 3.5 out of 5। बहुत बढ़िया लगी सर। स्टार देंगे 5 में से? 4.5। सर फिल्म अच्छी है। कितने स्टार सर 5 में से? 5 में से 4। कितने स्टार 5 में? 5 में से 4 स्टार्स। लग रहा है सर चलेगी मूवी? हाँ चल जाएगी। लोगों को क्या कहेंगे थिएटर पे देख, पर देखने आना चाहिए? People should come to the theater. Theater में ही मजा आएगा, घर में तो कोई देखेगा नहीं, घर में मेरी तरफ पॉपकॉर्न लेके इधर-उधर होते रहेंगे। So everybody should come to the theater. कितने स्टार देंगे मैम सर 5 में से? I think 3. Out of 5. Out of 5, 3 stars. पूरी तरह से। कितने स्टार देंगे सर 5 में से? 2 stars. एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग कैसे सर एक्टर्स की? देखिए एक्टिंग बहुत बढ़िया है, तो कितने स्टार देंगे 5 में से? 3। जा रहे हैं, इट्स इंटरवल एंड आई एम गोइंग होम, आई डोंट हैव दिस पेशेंस टू एक्सेप्ट द सेकेंड हाफ। ऐसा कोई सर पैर नहीं है कहानी का, गाने आ रहे हैं गाने जा रहे हैं, 4-5 गाने देख लिए हैं, किसी का कोई सेंस नहीं है। एक्टिंग की बात करें सर, एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसी? एक्चुअली स्क्रिप्ट ही इतनी ख़राब है कि एक्ट्रेस की एक्टिंग का कुछ इतना तात्पर्य नज़र नहीं आ रहा। कितने स्टार 5 में? 1 स्टार। कितने स्टार 5 में? 2। बहुत अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। कितने स्टार 5 में? हाँ जी 5 में कितने स्टार देंगे? 5। 5 out of 5, बहुत अच्छी मूवी है, एकदम देखना चाहिए। बहुत अच्छी लगी जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी जनाब। लोग बड़े जज्बाती थे, बड़े एक्साइटेड थे। पहले मैंने एक वीडियो निकाली जिसमें मेरे ख्याल में लोग अभी जा रहे थे फिल्म देखने, तो 3 मिनट की मैंने वो रिएक्शन दिया, देखा तो उस पर मैं मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तो लोग जज्बाती थे और अंदर जा रहे थे तो फिल्म के बारे में तो बता ही नहीं रहे थे, बस खुश थे, जज्बाती थे, पहला ही शो देख रहे हैं, पहला ही शो देख रहे हैं। फिर मैंने वो वीडियो स्किप की, फिर दूसरी वीडियो देखी जिसमें लोग देख चुके थे वीडियो, तो वीडियो के फिल्म के बारे में तासुरात दे रहे थे। 80% 70% लोग खुश थे, बहुत जज्बाती थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। असल में हिंदुस्तानी सिनेमा जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव और एक्शन और इस तरह की चीज़ों को पसंद करता है, तो जाहिर सी बातें, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ड्रामा टाइप की मूवीज़ देखते हैं, जो भी स्टोरी बेस्ड घरेलू टाइप की मूवीज़ देखते होंगे, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 पॉइंट या 3.5 पॉइंट दिए 5 में से।
ज़्यादातर 80% लोग फाइव में से फाइव दे रहे थे जज्बाती और जिस तरह का फ्लेवर उन्हें चाहिए मूवीज़ में। देखिए मूवीज़ का मैं समझता हूँ कि मूवी वो होती है जो आपको एक अलग काल्पनिक दुनिया में ले जाए, एक अलग ही चीज़ का एक्सपीरियंस करवाए। अगर आपको मूवी अलग दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं करवाती तो फिर आप यूँ समझ लें कि आप अपनी ही दुनिया में थे, आप अपनी ही दुनिया में जी रहे थे और आपको वो चीज़ मज़ा ही नहीं करती। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मतलब मूवी का सेंस ही तो वही है, मूवी तो वही है कि जो मूवी होनी चाहिए, जो मूवी एक तरह से मूवी होती वही है जो आपको एक अलग ही अनुभव करवाए, वरना मैं क्या समझता हूँ कि फिर मूवी मूवी ही ना रही। सनी देओल की बात है कि सनी देओल ने अपना एक इमेज जो है इंडियन सिनेमा में, इंडियन आवाम में, पाकिस्तानी आवाम में भी एक अलग तरह का पिक्चराइज करवा लिया है। यानी कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ख़तरनाक किस्म के डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत एग्रेसिव बातें करते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी मूवीज़ वो इस तरह की कर चुके हैं। वॉर के हवाले से भी मूवीज़ हैं सनी देओल की, तो सनी देओल पे ये ठप्पा लगा हुआ है। तो सनी देओल को इसलिए भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारी इंडियन आवाम पसंद करती हैं कि उनका जो जज्बा है, यूँ समझ ले कि वो एक इंडियन है सनी देओल। जब वो बोलते हैं या कोई बात करते हैं तो यूँ समझ लें कि एक आम शख्स बैठा हुआ है अपने घर में, एक आम लड़का बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, वो कुछ बोलना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है, तो वो समझो उनकी एक तरह से अक्कासी करता है, एक तरह से उनके बदले में वो बोल रहा है पिक्चर में। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके जज्बात निकले या उनके जो भड़ास है वो उनकी भड़ास निकली सामने आई, तो लोगों को खुशी होती है इस तरह की चीज़ें देख के। इस मूवी के ट्रेलर पर भी रिव्यू दिया था मैंने, रिएक्शन दिया था, तो वो भी मतलब है कि मैंने फिल्म तो नहीं देखी, ट्रेलर ही देखा है, तो मुझे लग रहा है कि वाकई बहुत एडवांस करके बनाई गई है, बहुत ज़्यादा पिछली मूवीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आवाम के फ्लेवर को मद्देनज़र रखते हुए, स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए, अब की कंडीशन के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए ये वाली स्टोरी लिखी गई होगी, ये वाली स्टोरी बनाई गई होगी। क्या मज़ीद ऐड किया जाना चाहिए, किस तरह से ऐड किया जाना चाहिए, इस फिल्म में मैं समझता हूँ शायद बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की कंडीशन, इस वक्त जो रिसेंटली कंडीशन है, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है 100%, मैंने नहीं देखी मूवी, मैं अभी से आपको प्रेडिक्शन कर दूँ, पाकिस्तान के बहुत कपड़े उतारे गए होंगे सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ यहाँ की पॉलिटिशन, यहाँ के जो दंगे फसाद, यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खूब बेहतरीन तरीके से कैश किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ है भी सही, हकीकत भी, ऐसा भी नहीं है कि ये झूठ है, गलत है, सच भी है। तो आज उस वक्त क्या हालात थे पाकिस्तान के, उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं थे मैं समझता हूँ, जब गदर आई थी। अब गदर टू पे तो और ज़्यादा बुरे हालात हैं इकनॉमी के हवाले से और जंग के हवाले से, कि अब तो एक होता था ना कि यार हमारी फ़ौज है और उनकी फ़ौज है, तो अब तो वो हालात अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी वो कंडीशन नहीं है, हमारे वो हालात नहीं है लड़ने वाले। तो देखते हैं क्या है इस फिल्म में, लेकिन लोग बहुत जज्बाती, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। इस तरह की मूवीज़ से हुब्बुल वतनी, एक वतन से मोहब्बत जागती है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने नफसा नफसी में खोए रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इतने कारोबार में, कामों में, चीज़ों में खोए रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं महीने, दो महीने में, छः महीने में पिन करती हैं कि हाँ भाई, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो ये कंट्री है, उसकी ये बेस है, उसकी ये बुनियाद है, उसका ये एक पहचान है, वो ये कंट्री है। तो इस तरह की मूवीज़ से सोए हुए जो लोग होते हैं, जो वतन से थोड़ा सा दूर हो चुके होते हैं, अपनी मसरूफियात में बहुत ज़्यादा मगन हो चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा सा होश दिलाने के लिए इस तरह के डोज भी ज़रूरी है। तो फिल्म देखूंगा तो फिर उससे बात करेंगे, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।